नमस्कार, द भारत लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ विकेश कुमार और आज हम पहुँचे हैं चकिया विधानसभा 383 में, जहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी विकास कुमार खरवा जी, और वहीं पे हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र सिंह पटेल जी और डॉक्टर ब्रिजमोहन पासवान जी। आइए हम जानते हैं विकास जी के बारे में कि ये जनपद चंदौली के जो चकिया विधानसभा क्षेत्र 383 है, वहाँ के एक युवा नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। जी विकास जी, आप अपना पूरा परिचय बताइएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार खरवार है, जिला यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष, प्रवासा समिति का प्रदेश महासचिव भी हूँ। और चकियाँ, जिस माने की आप लोग जो बात करते हैं, चकियाँ आदिवासियों की बहुल एरिया है, जिसमें हम सभी आदिवासी भाई बंधुओं, नौजवान साथियों का हमें प्यार और दुलार मिलता है। और हमें पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का एक लौता प्रत्याशी हूँ, जिसमें चारों विधानसभा में यूथ कांग्रेस का पहला प्रत्याशी हूँ। विकास जी, आप राजनीति से जुड़े हैं, आप एक युवा हैं जी, तो किस तरीके से देखते हैं आप? मैं इसलिए देखता हूँ, तो मुझे, हमारे पास कुछ लोग आते हैं, गरीब गुरबा भाई बंधु यार मित्र नौजवान साथी, तो जिसमें वो बोलते हैं तो भैया हमारा कोई भी कार्य होता है तो उनके लिए मैं एनी टाइम खड़े रहता हूँ। मैं चाहता हूँ तो मैं उनका एनी टाइम, मैं इस हिसाब से राजनीति करके और जिसमें चुनाव जीतकर उनको अधिक से अधिक सेवा करूं। क्या प्राथमिकता रहेगी जो चुनाव आ रहा है, क्या प्राथमिकता रहेगी? और आपने कांग्रेस को ही चुना, क्योंकि देखिए, जैसे मैं गरीब गुरबाओं जो होते हैं, बहन बेटियों साथ अत्याचार भ्रष्टाचार होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा दिए थे मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए जो बात किए थे, जिसमें आज मैं देख रहा हूँ तो जो दलितों के साथ अत्याचार भ्रष्टाचार जो हो रहा है, तो हमें बहुत दुख होता है। और मुझे लगा तो कांग्रेस का झंडा लेकर कोई चलने वाला नहीं था उस समय। समय चकिया विधानसभा को 383 में मैं बिना पद का मैं वहाँ पर कार्य किया, जिसमें हमारे सभी समाज के लोगों को, बहन बेटियों का यह दुलार था, प्यार था, तो भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इसी विश्वास के साथ मैंने कार्य किया। और इस पर मुझे चर्चा और पूरी विश्वास है, तो 2022 में मैं यहाँ का सीट को जीतकर लखनऊ में माननीय दीदी प्रियंका गांधी जी के देने का काम करूँगा। 383 विधानसभा, जैसा कि आप बताए कि आप खरवार हैं, तो कितना वोट है खरवारों का 383? जिसमें यहाँ पे खरवारों का मतलब 38,000 खरवार समाज का वोट है, और सभी बिरादरी जितने भी पासवान हैं, गोड़ हैं, खट्टिक हैं, और चौहान हैं, ब्राह्मण हैं, मुसलमान हैं, अन्य समाज सभी जितने भी हैं, पटेल समाज के सभी लोगों का हमें सपोर्ट है। जिसमें मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक गरीब घर का बेटा हूँ, जिसमें हमको सभी लोगों का प्यार और दुलार मिलता है। कहते हैं तो आप संघर्ष करते रहिए, और मैं संघर्ष के राह पर चल रहा हूँ और विश्वास के साथ आप लोगों जैसे मीडिया प्रबंधकों का। जी विकास जी, क्या यहाँ पे मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हैं जैसे आज जो किसानों के साथ जो मतलब अत्याचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचारें हो रही हैं, जो बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कारें हो रही हैं, तो आज मैं क्षेत्र में सदुब सरैया बसाड़ी खरौजा नौगढ़ बियासर जितने भी क्षेत्र हैं, मैं जाता हूँ, घूमता हूँ, मुझे ये दुख होती है। तो आज दलितों के साथ जो अत्याचार, जैसे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों का धान किना जा रहा है तो उसमें उनसे वसूला जा रहा है पैसे, कुछ अनाजे बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा है, जो बड़े बड़े लोग उन्हीं का लिया जा रहा है, सोच परवीज के पास उन्हीं के लिया जा रहा है, जिसमें हम लोग ये चाहते हैं तो एक समूह, जैसे मैं डॉक्टर भीमा अम्बेडकर जी का निर्देश था, तो यहाँ पे भारत को आज़ादी में तो लोकतंत्र में लोगों का होता है, तो बातों को हम बोल सके, रख सके, जिसमें यहाँ पे इस चीज़ों को दबाया जाता है और दलित समाज को, लोगों को दबाया जा रहा है, जिसमें मैं चाहता हूँ तो इसमें हिस्सा दलित समाज के इतने भाई बंधु हैं, बढ़ चढ़ कर लें, और हमें विश्वास है पुनः इस चीज़ को आप लोग प्यार और दुलार देते रहें। ये हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ सत्येंद्र सिंह जी, आइए हम जानते हैं कि जो ओबीसी वर्ग है जी, तो क्या लगता है, जैसे कि ओबीसी वर्ग हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, जातिगत गणना की मांग कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ओबीसी वर्ग गणना का मांग कर रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, गणना होनी चाहिए। किस तरीके से आप देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ओबीसी वर्ग यहाँ पर भी है, अनुसूचित जात से कुछ कम है लेकिन है, और विकास में हमको भविष्य दिखलाई देता है। ये नवयुवक हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, अगर ये इस बच्चे को अगर हम लोग विधानसभा में पहुंचाएंगे तो हर बिरादरी का, हर लोगों का इनके पास जनमत है, और हम लोग तन मन धन से इनका साथ देंगे। और हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि विकास को जगह दिया जाए,
विकास जैसा कि 383 में जितने भी पार्टियां जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, विकास सबसे युवा नेता है। हाँ, विकास सबसे युवा नेता है, कर्मठ नेता है, जिसका भी काम पड़ता है सभी के दुख तकलीफ में विकास साथ देते हैं, दौड़ते हैं, जिसको जब जरूरत विकास की पड़ती है वहाँ पर विकास हाजिर रहते हैं। तो इसलिए हम पटेल समाज के हैं, लेकिन हम विकास से परिचित हैं, हम विकास के साथ तन मन धन से उसका साथ देंगे, लड़ाएंगे, जिताकर दिखला देंगे कि विकास क्या चीज़ है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर बिजमोहन पासवान जी। जी पासवान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप राजनीति से काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो जैसे यहाँ पे विकास जी हैं या जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति चल रही है, जातिगत स्थिति चल रही है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को लेकर कितना यहाँ से कांग्रेस को सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है और विश्वास की पार्टी है। जो कुछ चंदौली जिला में किया है कांग्रेस किया है। उस समय कमला त्रिपाठी जी थे, विकास की कड़ी को जोड़ने वाले ही कांग्रेस था। यहाँ पर जितना भी विकास का काम हुआ, नहर हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, स्वास्थ्य वाला हुआ, सब कांग्रेस ने किया है। विकास जी कांग्रेस का ही प्रचार करके कांग्रेस को मजबूत करने का बराबर काम करते हैं, और इनका स्वभाव विश्वास इतना अच्छा है कि ये पूरा चकिया में छाए हुए हैं। अब विश्वास भी है, नियर अबाउट 28-30 हज़ार पासवानों का वोट है, 40 नियर अबाउट इनका वोट है। हमें आशा है कि ये कोटा का चुनाव है और नौजवान है, इनको हर जात का वोट बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं साइकिल से चलता हूँ, गलियों में चलता हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ, और सर्वे में देखता हूँ कि विकास विकास, तो भाई विश्वास का नाम हो चुका है। सबसे युवा नेता है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, जो क्षेत्र के युवा हैं, जो 383 विधानसभा के युवा हैं, कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि पहले तो इनको टिकट मिलना ज़रूरी है। बहन जी बोली है कि नौजवानों का मैं सम्मान करूँगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से और जिम्मेवार व्यक्तियों से कि पहले 383 को अगर मजबूत करना आप चाहते हो तो विकास जी को टिकट दो। चुनाव जिताने का काम पासवान, पटेल, अदर कास्ट के बहुत से लोग इनके साथ हैं, और मैं कह नहीं सकता, मैं तो यहां पर महासचिव का भी काम किया हूँ, और नौगढ़ में जिला पंचायत का चुनाव एक ठो यादव हैं, विजय कुमार यादव को भी जिता चुका हूँ। मुसलमान नौसाद जी हैं, इनको मैं हम लोग चुनाव लड़ा चुके हैं। विकास के साथ हर जगह के लोग हैं, विकास हर गलियों में घूम चुके हैं, और इनको हम कहना तो नहीं चाहते, मैं इनको इतना घुमा दिया हूँ कि कांग्रेस को जितने काम विकास जरूर करेंगे, मेरा वादा है। क्या लगता है विकास आने के बाद क्षेत्र का विकास होगा? हाँ देखिए, विकास क्षेत्र का विकास करेंगे नहीं करेंगे, जनता चिल्ला रही है, विकास पर मेरा विश्वास है, विकास से ही मेरी भलाई है, और यहाँ के नौजवान विकास के साथ रहते हैं। एक बार कह तो नहीं सकते, एक बार मैंने इनका मीटिंग लिया था, भैया पासवान थे, पटेल थे, और मुसलमान थे, और चौहान थे, और विकास ने नौजवानों की टीम को नियर अबाउट 100 को तैयार किया था, और सब लोग तपे तपाए कांग्रेस के ही निकले। विकास जी, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या मांग करना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ें ये हैं, तो मैं यही चाहूँगा, तो नौजवान जो युवक हैं जो कार्य कर रहे हैं, जुझारू संघर्षशील जो हैं, मैं माननीय प्रियंका गांधी जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो हमारे जैसे नौजवानों को मौका देंगी तो हमें बहुत खुशी होगा, और हम लोग पूरी विश्वास के साथ, यही नहीं चंदौली जिला का मैं चारों विधानसभा का क्षेत्र में, जिसमें मैं चारों विधानसभा क्षेत्र में 2019 से लेकर इतना कार्य किया हूँ, तो कोई भी विधानसभा हो जिसमें हमारे 2-4, 10 हज़ार, 20 हज़ार आदमी न हो कार्यकर्ता, और हमें कहते हैं वो लोग तो भैया आप कहीं से भी लड़ने का कोशिश करेंगे और चुनाव जिताने का हम लोग कार्य करेंगे। मैं सबसे बड़ी चीज़ है, तो हमारे मीडिया प्रबंधक लोग हैं, हमारे भाई बंधु और सभी लोगों का हमें पूरी विश्वास के साथ होता है, जिसमें मुद्दे की बात है तो आज किसान सड़कों पे जो उनके साथ अत्याचार हो रहा था, लाठियां डंडा चलाया जा रहा था, किल गाड़ा जा रहा था सड़कों पर, जिस समय धरना प्रदर्शन में कोरोना के समय में जिस समय कोई किसी के पास नहीं जाता था, उस समय हम कंधे देते थे उस समय, और हमारे घर परिवार के लोग कहते थे तो बेटा तुम मत जाओ, उस समय हम मास्क, सैनिटाइजर और जो सामग्री खाद्य सामग्री जो था, मतलब उनके घर पर ले जाकर मैं बांटता था, जो मैं हमसे अटता जुटता था, मैं एनी टाइम रात बिरात सुबह शाम मैं हर परिवार और हर समाज के साथ मैं एनी टाइम खड़ा रहता हूँ। तो आज हमारे साथ 383 विधानसभा चकिया से
विकास कुमार खरवा जी मौजूद थे, आपने उनको सुना। द भारत लाइव टीवी चैनल में आप सभी को जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हूँ विकेश कुमार।